विधायक, मेरे छोटे भाई जो चीते की सी फूर्ति रखता है, अशोक चांदना जी, बहुत ही वरिष्ठ और किसान नेता आदरणीय रामनारायण मीना जी, भाई समर्थ शर्मा जी, सीएल प्रेमी जिलाध्यक्ष जी, तमाम सम्मानित मान जिला प्रमुख जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण, सबसे पहले तो मैं बूंदी की इस पावन धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको सलूट करता हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव है, और साधारण इसलिए नहीं है कि इस चुनाव से देश की दिशा और दशा तय होने वाली है। आपके मत से फैसला होने वाला है कि किस प्रकार से कौन सी सत्ता देश में शासन करे, कौन लोग जाकर के वहां पर आपका प्रतिनिधित्व करे। आपने 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार भी देखी, कांग्रेस यूपी की सरकार भी देखी, आपने 10 साल एनडीए की मोदी जी की सरकार भी देखी। मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए सरकार में कानून बने राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून जो निःशुल्क हर व्यक्ति के परिवार में जो भी बेटा और बेटी है उसको सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा मिले, यूपीए सरकार में सबको काम मिले, कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए मनरेगा जैसी योजना बनाने का काम हुआ। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस प्रकार से मनरेगा ने गरीबों को वापस जीवन देने का काम किया, जहां पर काम नहीं मिल रहा था। मैं तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि राइट टू फूड अनिवार्य रूप से गरीब को अन्न मिले, उसको खाने के लिए भरपेट भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको गरीब को अनाज मिला। ये तीन कानून ऐसे हैं जो यूपीए सरकार के समय में बने, और मोदी जी की सरकार 10 साल रही। तीन महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने सबसे पहले तो किसान की जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको परिवर्तन करने की मंशा षड्यंत्र रचा, क्योंकि पूंजीपति अपने मित्रों को किसान की जमीन देने की उनकी मंशा थी। किसान खड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के आप सब लोग कार्यकर्ता खड़े हुए, और वो कानून संशोधित नहीं होने दिया। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की एनडीए सरकार ने, आपने देखा होगा, नोटबंदी की, और नोटबंदी में सबको लाइन में लगाने का काम किया। बड़े जो पूंजीपति थे जिनके पास काला धन था, उन्होंने बैकडोर से तमाम काले धन को सफेद धन करने का काम किया, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास में धन नहीं बचे, उनको अच्छे तरीके से बराबर का अपना चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, इस तरीके की षड्यंत्र रच के उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया। उसके बाद में किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उस अन्नदाता के ऊपर तीन काले कानून लाद करके उसकी खेती और खेती की उपज उन्होंने हथियाने का तरीका लिया, और आपने देखा होगा कि 15 महीने तक किसान खून के आंसू रोता रहा, संघर्ष करता रहा, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन परवाह नहीं की, और वो तीन काले कानून देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगते हुए देश के किसान अन्नदाता से वापिस लेने पड़े, और लिखित में समझौता किया कि हम एक कमेटी बैठाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी का कानून बनेगा और किसान का कर्जा माफ होगा। मैं पूछना चाहता हूं
कि 26 महीने हो गए उस लिखित समझौते को। कहाँ है वो लिखित समझौता? कहाँ है स्वामीनाथन आयोग? कहाँ है उसकी रिपोर्ट लागू? कहाँ है नेशनलाइज बैंकों का और कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा माफ? राजस्थान में तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने आपके आशीर्वाद से 16,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए, लेकिन पूरे देश का किसान पूछ रहा है कि मोदी जी, आज जब उत्तर प्रदेश में इससे पहले वाले समय में जब चुनाव लड़ते हो तो कहते हो उत्तर प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार बना दो, हम आपका किसान का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन जब आपकी सरकार बन गई तो आपने किसानों के लिए संघर्ष कर रहे किसान और पत्रकार के ऊपर आपके केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी चढ़ा, उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या करने का काम कर दिया। एक वो लेकर के आए जीएसटी, आप बताइए मेरे छोटे भाई, मेरे व्यापारी भाई बैठे हैं, आप बता दीजिए क्या जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? किसी को कोई लाभ मिला? किसी का कर्जा माफ हुआ? किसी को कोई इस 10 साल में ऐसा कोई लाभ मिला हो तो बताओ। जनधन खाते ऐसे खोलेंगे कि पता नहीं वो 15-15 लाख आएंगे, लोग लाइन में लग के फोटो कॉपियां कराते रहे, खाते खुलवाते रहे, वो खाते सारे बंद हो गए, या काला धन जिन बड़े लोगों के पास में है उनको सफेद करने के लिए उन खातों का दुरुपयोग किया जा रहा है? अब तो हद होगी जब देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने के लिए जाने जाते हैं, जोर जोर से कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। मैं मोदी की इस पावन धरती के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से जो घोटाला हुआ, जो काम के बदले चंदा लिया गया, घूस ली गई, जो सीबीआई इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग किया गया, जिनको चोर बता करके मुफ्त में दर्ज किए गए, उन लोगों से चंदा लेकर के और घूस लेकर के उनके ऊपर एफआईआर लगाने का काम किया, और जिन लोगों के खिलाफ मुफ्त में दर्ज किए उन लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ के आरोप लगाए गए, देश के भ्रष्टतम मंत्री और मुख्यमंत्री बताया गया, उन सब लोगों को बाहर के जनता पार्टी में ले जा करके उन्होंने किस प्रकार से, चाहे अजीत पवार हो, चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, तमाम वो लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, जिनके ऊपर बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे, उन सबको या तो वो बीजेपी में ले गए, और या फिर अगर वो बीजेपी में नहीं गया तो उनको जेल के सलाखों में। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस देश के अंदर 6500 के लगभग ईडी के मुफ्त में है? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर और हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके के मामले इन्होंने बनाए हैं, क्या वैसे मामले देश के किसी जनप्रतिनिधि, देश के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं बैठे जिनके खिलाफ कितने कितने बड़े मुफ्त में, क्या उनको वो जेल में डाल रहे हैं क्या? आज असम का मुख्यमंत्री को मोदी जी सबसे भ्रष्टतम बताते थे, वो व्यक्ति आज उस संघ का मुख्यमंत्री है जिस अजीत पवार के लिए कहते थे कि फनवटी जी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हम इनको जेल में चक्की पीसेंगे। राज करें उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो भाई लोगों, इनका मुखौटा अलग है, अंदर से अलग है, कथनी और करनी अलग है, और यहाँ तो हती हो गई। जब कोटा में, जब मैं नामांकन सभा में गुंजन साहब के आया था, मैं सलूट करता हूँ कोटा बूंदी की धरती को कि वो जलवा मैंने देखा, वो लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। गुंजन साहब, आप शेर हो, आपने लोगों का प्यार जीता है, आपने लोगों का दिल जीता है, और आपके विपक्षी ने केवल अपना घर बनने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, ये साबित होता है। आज 12 सीटें पहले फेज के अंदर कोई एक दो आ जाए तो भला ही भाई जी, बाकी सूपड़ो साफ हो गई बीजेपी। मैंने कल मेरे पत्रकार भाई बैठे हैं, व्यापारी बंधु भी बैठे हैं, किसान भाई भी बैठे, 12 का 12 मोरिया बोलबाला है। आप आज दिमाग में 26 तारीख को
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मैंने जितनी बातें की है अगर एक भी गलत हो तो मेरे नंबर पे टेलीफोन करके बता देना कि गोविंद डोटासरा जी बूंदी के बाजार में खड़े होकर के आपने चौराहे पे क्या कहा था। मैं कहना चाहता हूँ ये सच्चा सेवक है आपका, ये शेर है, ये किसी से डरता नहीं है। इसके गोविंद डोटासरा नामांकन में भी आया था, आज भी आया, और 26 तक गुंजल साहब जितनी बार बुलाओगे गोविंद डोटासरा आपके लिए आएगा, क्योंकि आपके मन में हमेशा लोगों की सेवा करना, उनका प्यार जीतना मैंने देखा है कि नाम ले लेके आजा रतन, आजा पहलाद, आजा जगन, ये जो कहना और इस प्रकार से लोगों का प्यार जीतना, अपना आप को परिवार मानना, मैं समझता हूँ बिरले नेताओं में मिलता है। इसलिए 26 तारीख आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 26 तारीख को ये जो अमित शाह जी आज अपवित्र करके गए ना कोटा को, उसको पवित्र करने का समय आया है। 26 तारीख को आपके सामने एक मशीन आएगी, उस मशीन पे 3 नंबर पे प्रहलाद गुंजल का नाम आएगा। प्रहलाद गुंजल के नाम के आगे ये जो फोटो है ना आपकी, ये प्रहलाद गुंजल आपका सेवक, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका साथी, आपका सेवक है, इसकी फोटो आएगी, और उस फोटो के आगे हाथ का निशान आएगा। हाथ के निशान के आगे भाइयों एक नीला बटन आएगा, नीला बटन ध्यान रखना, वो काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, उससे देश की दिशा और दशा का फैसला होना है। उस नीले बटन को इतने जोर से दबाना, उस नीले बटन को बूंदी वालों, बूंदी के लोगों, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, उस नीले बटन को इतने जोर से दबाना कि कोटा बूंदी का सांसद चू के साथ में पहला गुंजल निकले और ओम बिरला जय का मोरिया बोले। बुला दोगा जन मैं ताकि गैल छोड़ दू, लेकिन मैं एक बात कहना चाहू, ये मनन करियो, ये सोचियो, जितना भी लोग मेरी बात सुने या सोशल मीडिया के, कि पहला गुंजल कैसा व्यक्ति है और आपका बीजेपी का सांसद कैसा व्यक्ति है, उनको अपने काम से, अपने व्यापार से मतलब है, और पहला गुंजल को आपकी सेवा से मतलब है, ये दोनों में फर्क है। और इसमें जो इंडिया गठबंधन बनेगा, मैं आपको बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और जो लोकसभा के स्पीकर को हराएगा उसकी राज में भागीदारी होगी, ये मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ। आपने राज में भागीदारी ओम बिरला जी की देख ली, और आप इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून को, आप पहला गुंजल की राज में भागीदारी देखना, आपका नक्शा बदल देंगे, आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे, आपके साथ मिलकर के आपके जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखना जरूरी है जो वसूलों पे जीता है, किसी के तलवे नहीं चाटता है, खुददारी है इनके खून में, ये आदमी जोरदार है। आपके शेर को मैं सलूट करता हूँ, आपको सलूट करता हूँ, और आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को एक बार लोकसभा में भेज करके देखो, ये कोटा बूंदी का नक्शा बदल देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरा सम्मान किया, तमाम नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो पहला गुंजल को कोटा बूंदी से सांसद बना करके लोकसभा में भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।